राहुल गांधी आज तीन नए शब्द लेकर आए, हलवा, चक्रव्यूह और शिव की बारात। वैसे तो ये तीनों शब्द पुराने हैं, लेकिन सियासत में राहुल गांधी ने इनका प्रयोग एकदम नए सेंस में किया है। कांग्रेस नेता ने हलवा और चक्रव्यूह दोनों को जाति से अटैच कर दिया और अपनी पार्टी को शिव की बारात बता दिया। हिंदू प्रतीकों के साथ राहुल के प्रयोग का क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं, फिर भी राहुल अपना ट्रैक नहीं बदल रहे। मोदी को फंसाने के लिए वो लगातार चक्रव्यूह बना रहे हैं। दिल्ली से दूर लखनऊ में एक नहीं बल्कि दो दो चक्रव्यूह बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक चक्रव्यूह तोड़ते हैं तो दूसरा चक्रव्यूह तैयार हो जाता है। धर्म को जाति से हराने वाली कोशिश क्या दूसरी बार कामयाब होगी? दिल्ली से लेकर अयोध्या सियासी रण का क्या परिणाम होने वाला है, इस रिपोर्ट में जानिए। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। राहुल गांधी एक चक्रव्यूह रच रहे हैं। राहुल का चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी के लिए है, हलवा तो फंसाने के लिए है। राहुल का चक्रव्यूह असल में जातियों वाला चक्रव्यूह है। मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग। एक दूसरा चक्रव्यूह अखिलेश यादव भी बना रहे हैं। अखिलेश का चक्रव्यूह यूपी जीतने के लिए है। अखिलेश के चक्रव्यूह में भी जाति है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उसका टेस्ट होने वाला है। कितनी नाराज है, 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ अभी अभी एक चक्रव्यूह में फंसने से बचे हैं। योगी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन योगी के खिलाफ चक्रव्यूह पूरा बन ही नहीं पाया। हर तरह के चक्रव्यूह तोड़ने वाला जाति फॉर्मूला योगी को मालूम है। आप में इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो। योगी को फंसाने के लिए जो चक्रव्यूह रचा जा रहा था उसमें ओबीसी वोट का चारा डाला गया था, मगर ओबीसी में योगी का जलवा कैसा है ये समझना हो तो उस वक्त की तस्वीर देख लीजिए, जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा कैंप तक गए थे। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा यूपी वाले चक्रव्यूह की है। लखनऊ से दिल्ली तक फैला चक्रव्यूह किसने रचा, कौन बचा और कौन फंसा, ये सब थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले उस चक्रव्यूह की बात बताते हैं जिसे राहुल गांधी रच रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में वो अलग ढंग से बताते हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जो पद्मवी वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का जो बयान सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पीट लिया, क्या वो बयान राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे दे दिया? नहीं, राहुल ने बिल्कुल सोच समझकर कैलकुलेशन बिठाकर बयान दिया। संसद में राहुल ने क्या किया? राहुल ने अपने गठबंधन को शिव की बारात बता दिया और बीजेपी की टॉप लीडरशिप को चक्रव्यूह रचने वाला पक्ष बता दिया। महाभारत में दुर्योधन के कहने पर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से मोदी की पार्टी को कौरवों की पार्टी बता दिया।
राहुल का हिडन एजेंडा इससे अलग है। राहुल दरअसल जातियां गिन रहे हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं, राहुल का कास्ट कैलकुलेशन खत्म नहीं हो रहा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने दलित वोट प्लस कर लिया, कांग्रेस ने आदिवासी वोट भी प्लस किया, कांग्रेस के मुस्लिम वोट भी प्लस हुए। राहुल को अभी पिछड़ा वोट प्लस करना है, दलित प्लस आदिवासी प्लस मुसलमान प्लस पिछड़ा। राहुल को लगता है कि जातियों का ये चक्रव्यूह बन गया तो अगले इलेक्शन में वो मोदी को फंसा लेंगे। देश में अब ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। नरेंद्र मोदी की पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी यूं ही नहीं बन गई। राम मंदिर आंदोलन के बाद भी बीजेपी 160 सांसदों वाली पार्टी ही बन पाई थी। बीजेपी ने जब दलित और पिछड़ों के वोट जोड़े तभी वो 300 सीट से आगे निकल पाई। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली थी। उस चुनाव में बीजेपी को जितने वोट मिले थे उसका 49% हिस्सा अपर कास्ट यानी सवर्ण वोट का था। 1996 में बीजेपी को 33% वोट पिछड़ों के मिले थे। बीजेपी को मिले कुल वोट में दलित वोट का हिस्सा 11% था और आदिवासी वोट का हिस्सा 7% था। नरेंद्र मोदी के समय 2019 में जब बीजेपी ने 303 सीटें जीती तब बीजेपी को जितने वोट मिले थे उसमें सवर्ण वोट का हिस्सा 49% से घटकर 30% रह गया। ओबीसी वोट का हिस्सा 33% से घटकर 44% हो गया। दलित वोट का हिस्सा 11% से बढ़कर 16% हुआ और आदिवासी वोट का हिस्सा 7% से बढ़कर 10% हो गया। वोट का यही गुणा गणित कांग्रेस लगा रही है। राहुल गांधी बीजेपी के वोट ग्राफ को उलट देना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार बीजेपी को एलिट सवर्णों की पार्टी बताते हैं। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना दलित वोट बढ़ा लिया है। इसका फायदा दलित आरक्षित सीटों पर कांग्रेस की जीत के रूप में दिख रहा है। देश भर में लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दलितों के 16.7% वोट मिले थे और कांग्रेस को केवल 6 SC रिजर्व सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने दलितों के 20.8% वोट हासिल किए और SC रिजर्व सीटों में से 20 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट को जीत मिली। 2024 के चुनाव में दलित रिजर्व सीटों पर बीजेपी का ग्राफ थोड़ा उलट गया। 2019 में बीजेपी को 35.3% दलित वोट और 46 रिजर्व सीटों पर जीत मिली थी। 2024 में बीजेपी का दलित वोट परसेंटेज घटकर 34.5% रह गया और दलित रिजर्व सीट 46 से घटकर 29 हो गई। 2024 के चुनाव में जो ट्रेंड पूरे देश में देखा गया
उस ट्रेंड का एपिसेंटर है अयोध्या। हिंदुत्व का पावर सेंटर इन चुनावों में कास्ट इक्वेशन से हार गया। मोदी योगी विरोधियों के कैंप में राहुल और अखिलेश के खेमे में एक ही सीट महत्वपूर्ण है, अयोध्या। एक ऐसी सीट जो आज तक बीजेपी के गले में अटकी हुई है। अयोध्या फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार को बीजेपी अब तक पचा नहीं पाई है। अयोध्या फैजाबाद में समाजवादी पार्टी का यादव वोट, पीडीए का अन्य पिछड़ा वोट, मुस्लिम वोट और दलित वोट एक साथ मिल गया। नतीजा ये हुआ कि दलित पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या की सीट जीत गए और ठाकुर बिरादरी से आने वाले बीजेपी के लल्लू सिंह अयोध्या का चुनाव हार गए। अंतर रहा 54,567 वोटों का। अयोध्या की सीट अनरिजर्व सीट है। ऐसा कम ही होता है कि किसी अनरिजर्व सीट पर कोई दलित कैंडिडेट किसी सवर्ण कैंडिडेट या किसी अन्य वर्ग के कैंडिडेट को हरा दे। अयोध्या में इस बार ऐसा हो गया। अयोध्या में अखिलेश ने दलित प्रयोग किया था, उसी प्रयोग को समाजवादी पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सपेंड करना चाहती है और कांग्रेस इस प्रयोग को यूपी से आगे गुजरात तक ले जाने के सपने देख रही है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या की सीट जीती तो अवधेश पासी को वो पार्लियामेंट में फ्रंट सीट पर बिठाने लगे। अवधेश पासी को अखिलेश नेशनल दलित आइकन बनाकर दिल्ली से मुंबई तक घुमाने लगे। मुंबई के मातोश्री बंगले में उद्धव ठाकरे के साथ अवधेश पासी की तस्वीरें आने लगी। उन्हीं अवधेश पासी के निर्वाचन क्षेत्र मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। वैसे तो यूपी में 10 सीटों पर बाय इलेक्शन होंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सीट मिल्कीपुर ही है। अयोध्या के नाम को, अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा गया है मानवर, इसलिए कि मैं दलित जात का हूँ। और सामान्य सीट से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था मानवर। हम कहना चाहते हैं इस आदरणीय सदन में कि इतनी नाराज है, 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अयोध्या का बदला मिल्कीपुर में लिया जाए, इसमें कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी ने अपने सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को एक मंच पर लाकर बिठा दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक एक जगह दिखे। इस तस्वीर से ऐसा लगा जैसे यूपी का चक्रव्यूह पूरी तरह टूटकर बिखर गया है, लेकिन ये भ्रम जल्द ही टूट गया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में योगी के पहुंचने से पहले ही केशव और पाठक निकल गए। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की मीटिंग में योगी, केशव और पाठक तीनों को न्योता भेजा गया था। तीनों नेता आए भी लेकिन एक साथ नहीं बैठ पाए। योगी के आने की घोषणा होते ही दोनों डिप्टी सीएम वहां से बाहर चले गए। जाने से पहले केशव मौर्य संगठन और सरकार पर एक नया कमेंट करते हुए गए। इसे पूरा सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि चक्रव्यूह अभी बरकरार है। व्यूह रचना थोड़ी कमजोर भले हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह हथियार नहीं डाले गए हैं। हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की, बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या, जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचें कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब 2014
2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। शाम होते होते केशव मौर्य ने यूपी पुलिस के डीजीपी, एसटीएफ चीफ और अन्य आला अधिकारियों की मीटिंग बुला ली और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। केशव मौर्य के बयान से करीब करीब निश्चित हो गया है कि उपचुनाव का पूरा बोझ योगी आदित्यनाथ को अपने कंधों पर ही लेकर चलना है। योगी कामयाब हुए तो सब चरण वंदना करेंगे, योगी फेल हुए तो विरोधी फिर से नई व्यूह रचना करेंगे। देखिये बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहा। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। हालात को योगी भी समझ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री को घेरने के लिए पिछड़ा वोट का फॉर्मूला बताया जा रहा था, योगी ने उसी पिछड़ा वोट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हम लोग, 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है और मैं कहता हूं दावे के साथ इन भर्तियों में ओबीसी समाज की, 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती भी है, 60% से अधिक भर्ती हुई है। योगी सरकार ने नौकरी दे दी, पिछड़ा और दलित को नौकरी का हिसाब बता दिया। क्या पिछड़ा खुश हुआ, क्या दलित प्रसन्न हुआ, इसका टेस्ट मिल्कीपुर में होगा। मिल्कीपुर में 65,000 यादव, 60,000 पासी, 50,000 अन्य दलित, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, 12,000 वैश्य, 15,000 चौरसिया वोटर हैं। जीतेगा वही जिसे पिछड़ा और दलित का वोट मिलेगा। अखिलेश यादव के लिए प्लस पॉइंट ये है कि मिल्कीपुर में यादव बहुत हैं। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि यूपी में दलितों का झुकाव अभी इंडिया गठबंधन की तरफ है। उत्तर प्रदेश में 24 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को ओवरऑल 38% दलित वोट मिले। एनडीए गठबंधन को यूपी में ओवरऑल 26% दलित वोट मिले। यूपी के 32% दलित वोटर्स ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा किया। मिल्कीपुर में बीएसपी भी होगी, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी का भी कैंडिडेट होगा। वोट बटेगा तो खतरा अखिलेश यादव के कैंडिडेट को होगा। मिल्कीपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने सपा के अवधेश प्रसाद पासी को 28,276 वोटों से हराया था। 2022 के यूपी चुनाव में अवधेश पासी ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोट से हराकर मिल्कीपुर सीट जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल 7,733 वोट की लीड मिली। अखिलेश यादव 4 जून से ही अयोध्या की जिस जीत की ब्रांडिंग कर रहे हैं, वहां के मिल्कीपुर में सपा का मार्जिन असल में घट चुका है। 2022 में 13,000 वोट का मार्जिन था, 2024 में 7,000 वोट का मार्जिन रह गया। उपचुनावों में अखिलेश यादव के पास ना तो अवधेश पासी होंगे, ना पीडीए फॉर्मूले में लोकसभा चुनावों वाली धार बची होगी। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे, और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिरी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी
फूट डालो और राज करो कि अपनी नीति के तहत लगातार लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। राजनीति में एक ही फॉर्मूला बार बार नहीं चलता। जो समीकरण एक बार चल जाता है उसे लेकर दूसरी पार्टियां चौकन्नी हो जाती हैं। इसलिए सियासी दलों को हर बार कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। अखिलेश का पीडीए चल गया, 2024 में सफलता मिल गई। अब अखिलेश यादव पीडीए में ब्राह्मण जोड़ रहे हैं, इसलिए 81 साल के माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता बनाकर लाए हैं। एक तो पहली बात, जितने लंबे समय से कांग्रेस का टावर ध्वस्त किया था माननीय मुलायम सिंह ने, और फिर अब सपा वाईफाई बनी हुई है कांग्रेस की, अब अपना वोट कितना खिला रही है उनके ऊपर जाता हुआ आज के दिन में इसी से पता चल सकता है कि नेतृत्व कौन करेगा है? नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज़ बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है, और हम लोग उसका काम कर रहे हैं। तीन बड़े ब्राह्मण नेता सपा छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। अब अखिलेश को लगता है कि माता प्रसाद पांडे के चेहरे पर वो कुछ ब्राह्मण वोट खींच पाएंगे। मिल्कीपुर में इस फॉर्मूले का भी टेस्ट होगा, जहां 50,000 ब्राह्मण वोट है। अयोध्या के मिल्कीपुर का ब्राह्मण वोट अब तक एक मुश्त बीजेपी को मिलता रहा है। माता प्रसाद पांडे का दांव बीजेपी के उस ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा, इसका फैसला भी उपचुनाव में हो जाएगा।